तो गाइस अभी रात का ना 9 बज रहा है और मेरा आंख देखो कैसे धंसा हुआ। पता है क्यों? मैं सच बता रही हूँ, नवरात्र जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से मैं बहुत बहुत कम सोई हूँ, बहुत ही ज्यादा कम। कल तो मैं 2:30 बजे के जगने वाली पिस्ती का, यहाँ देख। कल ना मुझे पता है इतना जोर से भयानक वाला नींद आ रहा कि मैं क्या ही बताऊँ, और मुझे बिल्कुल घूमने का मन नहीं कर रहा है। और ये लोग इतना जिद कर रहा है ना कि सही बता रहे कि चलिए चलिए घूमने। मुझे लग रहा है कल घूमने जाते हैं, क्योंकि कल एक दिन और एक्स्ट्रा। हर बार कल भसान हो जाता है मूर्ति यहाँ का, पंडाल वंडाल जो रहता है वो सब कल ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। बट कल भर कल रह कल रहेगा तो मैं सोच रही कल जाऊंगी, बट यार मेरा हालत खराब है। एक्साइटमेंट उसको ढूंढेंगे वहीं ले जाकर। हमको इतना जोर से नींद आ रहा है या इसी के कारण ये उठाया है, मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, सच बता रहे। और अच्छा भी नहीं, सही बता रहे, अच्छा डेकोरेशन करता है उससे ज्यादा। और बट क्या पता कि मुझे यहाँ उतना खास नहीं लगता, मन नहीं करता। और सबसे ज्यादा ये कि रात को थोड़ा घूमना अच्छा नहीं लगता। देखो मुझे अभी भी नींद आ, चलते हैं और देखते हैं। सिंपल सा कुछ पहनूंगी, फटाक से निकलूंगी, तो चलते हैं, पहले तैयार हो जाते हैं। चलिए सबका यही खा ले रही है। बस बना
इसलिए हम लोग मंदिर में नहीं जा रहे थे क्योंकि सूज बांधना पड़ेगा। देखो सब लोग सूज ही बांध रहे थे, मम्मी भी सूज के कारण। इसलिए मैं बहुत देर से आ थी कि मुझे सूज खोलना खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, फिर बांधना पड़ेगा। और अभी सब लाइन सब लोग सूज बांध रहे हैं। आई थिंक 9 बज रहा है सुबह का, और आप लोग सोच रहे हो सोकर उठी हूँ इतना लिपस्टिक विपस्टिक क्या ही लगा रही हूँ मैं। तो बताई थी कि कल रात को घूमने गई थी, जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। जाने के बाद वहाँ जीत करके पम्मी ले गई, बहुत ज़्यादा बोर हो गई। वहाँ से आने के बाद मेरा सर में इतना दर्द था, ऊपर से गला बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है यार, बहुत ज़्यादा टॉन्सिल है। ठंडा लग गया ना, सर्दी हुआ था तो पूरा ये हो चुका है। तो बस यही है, सोकर उठी हूँ 9 बजे, और आज दशहरा, आज दसवीं है और दशहरा है आज। तो अभी तो मेरे घर में पूरा खाना वाना बन रहा है, सब लोग अभी लेट से ही आज उठा है क्योंकि सब लोग रात में गए थे। हम सब लोग नहीं गए थे, मैं पम्मी रौनक सागर गए थे तो घूम कर आया। लिपस्टिक तो मेरा अभी भी नहीं छूटा है, रात में घूमी थी ना, और ये ऐसा लिपस्टिक है जल्दी छूटता नहीं है, आधा नीचे का छूटा आधा लगा हुआ है। और रात में मुझे शक्ति नहीं था कि मैं इसे छुड़ा कर सो जाऊँ, तो ऐसे ही सो गई थी मैं। आने के बाद मेरा व्रत खत्म होने वाला है तो अभी खाना बन रहा है घर में, देखते हैं क्या क्या बनता है। और आज पंडित जी भी खाने आने वाले हैं तो उनके लिए भी बन रहा है खाना। तो अभी बस जाऊंगी मैं, नहाऊंगी और नहा कर पूजा करूंगी और आरती भी करूंगी, क्योंकि आज दुर्गा जी का जो फोटो कलश वलश रखे हैं वो हम लोग नहीं हटा सकते क्योंकि आज दिन मंगलवार है, तो ट्यूजडे को बेटी को विदाई नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग कल, आज नहीं होगा, कल विदाई करेंगे हम लोग। तो बस तो कल विदाई होगा, तो कल बस अभी जा रही हूँ मैं, पटाख से ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, पूजा उजा कर लूँगी, उसके बाद खाऊंगी। तो जो बन रहा है वो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बन रहा है। ऐसे तो हर साल बहुत ज़्यादा बहुत सारा खाना बनता है, सब बता, बहुत सारा खाना बनता है, बट क्या होता है ना, मैं से खाया ही नहीं जाता, बिल्कुल ही नहीं खाया जाता। वैसे भी आज मैं छोला खाऊंगी, बहुत दिन से मुझे बहुत छोला खाने का मन कर रहा है, पहले तो मैं छोला खाऊंगी। अभी चलते हैं और पहले नहावा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आज हो सकता है शाम में भी हम लोग आ जाएंगे फिर से घूमने उधर, एक साइड गया था एक साइड नहीं जाते, जाएंगे घूमने, क्या पता कि बंद करता है। पर रात होता तो बिल्कुल ही मन नहीं करता जाए, और सर बता तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है वहाँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग। पहले वाला बच्चा थे ना, बहुत अच्छा लगता, अब मन नहीं करता जाने का, बट अब चलो चलते हैं। और कल से बता दो कि मेरे घर में काम लगने वाला है, कल से घर का पेंटिंग होने वाला है, दीपावली के पहले हो जाएगा, दीपावली को लेकर। तो कल से तो और भी किच किच की चीज़ होने वाला है क्योंकि घर में जब पेंट पेंट होता है ना, साफ सफाई तो पूरा घर का ये हो जाता है। खैर चलो, सारा रूम का सामान निकालना होगा भाई साहब, बहुत सारा कल से भी काम है, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी से खा पी करना होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं और ब्रश व्रश करते हैं और देखते हैं, अगर चाय पी सकते तो चाय पिएंगे। तो चलो गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं पम्मी किचन में अभी जो जो बना रही है, तो चलिए पहले वो दिखा देती हूँ। आई खाना बन रहा है, देखिए और क्या क्या बन रहा है दिखा रहे हैं हम। क्या बना रही है, रौनक हुई है, कर रहा है, नीचे में अभी कुकर रखा हुआ है, उसे पक जाते हैं। अभी क्या बना रही बताओ, दही बड़ा, रुको, दही बड़ा, पनीर का सब्जी, ओल का सब्जी और पकौड़ी, वो बचका जो दो तीन किस्म का बचका, कद्दू का चना का यही ना, और कद्दू का चना का बैगन का ये, और कुछ कढ़ी, कढ़ी बन रहेगा, दाल दाल चावल पुआ पूरी, मतलब बहुत बहुत सारा खाना बनने वाला है। गाइस मेरा दाल बनने वाला है, रौनक क्या बोल रहा है, 10 दिन भूखे हैं, 10 को सब्जी खाएंगे। तो अभी बस सुबह सुबह लगाई हुई है लोग, सुबह क्या हुआ है, 9:30 बज ही गया है। बढ़िया, देखो बनेगा या नहीं बनेगा। और छोला खाने का बहुत मन हो रहा है, तो छोला तो जरूर खाएंगे, छोला तो जरूर खाएंगे। रौनक क्या कर, दोपहर में लाने, हम लोग दोपहर में मंगवाते हैं। गाना बजते रहेगा मेरे घर, गाना नहीं रुकने वाला है, गाना चलते रहता है। हैप्पी दशहरा, मेरा पूरा। अभी मैं नहा वाली हूँ, नहा कर पूजा कर लिया, आरती भी कर लिया क्योंकि आज दुर्गा माँ नहीं जा रही है, तो आरती करना जरूरी था। और खाना भी बन चुका है सारा कुछ,
बहुत सारा चीज दिख रहा है बाप रे, इधर से देखो इतना खाना का बाप रे। यहाँ पे देखो इसका बहुत अच्छा लगता है हमको पकौड़ी इसका, और ये मेरा फेवरेट है ये कद्दू, और ये प्याज का पकौड़ी है कद्दू का, क्या पता कोई फूल है ये उसका, और इसमें भी कद्दू का है, और ये दही बड़ा का पकौड़ा बनेगा, और ये पुआ का है, और चटनी भी। ये क्या है? ये मम्मी का सब्जी है, ये मम्मी के लिए भी बना है, और ये दाल भी बना है, ओल का सब्जी बना है, ये हम लोग पनीर का, और ये क्या है? दूध का सब्जी, ये दही है, दही, और ये चावल बन चुका है, ये और यहाँ ओल का सब्जी है। बाप रे बाप, देखिए यहाँ पे गाइस गाइस यहाँ से देखिए आप लोग, और ये दही बड़ा है, और वहाँ कुकर में भी कुछ बैठा हुआ, क्या बैठा है? चावल अभी एक और बैठा हुआ, यहाँ से दिखा रहे आप लोग को, देखिए यहाँ से अभी सब निकलेगा तब आप लोग और दिखेगा अच्छे से। पहली बार बना चुके हैं ये सारा कुछ, आप बनाने वाली थी निशा, बनाई है सब आता, और यहाँ पे मेरा खाना कल का रखा हुआ है, ये भी अभी खाना है, ये जो भोग लगा हुआ है कल दुर्गा माँ का, तो ये मुझे खाना है पहले, इसी से मेरा फास्ट टूटेगा, और अभी बहुत सारा खाना निकलेगा गाइस। तो आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड तो हमको होना चाहिए, खाना देख कर भूख तो लगा, ऐसे ही बता रहे भूख लग गया है, पहले बार ऐसा हुआ कि मुझे मतलब भूख लग गया है नवरात्रि में, तो भूख नहीं लगती क्योंकि कल कुछ नहीं खाया ना इसीलिए, तो पंडित जी आ जाए उसके बाद खाना पर टूट पड़ना है। तो यहाँ पे पंडित जी आ गए, और उसके बाद आने के बाद जो जौ हुआ था जिसका मतलब धूप निकला था, तो वो सारा कबाड़ कर और भगवान जी पे चढ़ा रहे थे। ऐसा नियम होता है कि जो जौ होता है उसे सारे भगवान जी पे चढ़ाया जाता है और उसे रूम घर में रखा जाता है। तो यहाँ पे सारे भगवान जी पे पंडित जी ने चढ़ा, क्योंकि उस दिन ट्यूजडे था, हम लोग नहीं छू सकते थे, बताया था मैंने कि मतलब उस दिन बेटी का विदाई नहीं किया जाता, तो सारा कुछ पंडित जी ने किया था। उसके बाद ये दे रहे थे सारे लोग को कान पर रखने के लिए, तो मैंने पंडित से पूछा भी था कि ये क्यों कान पर रखा जाता, मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नियम है रखा जाता है, तो लेडीज लोग लेफ्ट एंड जेंट्स लोग राइट कान पे रखते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे देखो पंडित जी इतने अच्छे से ये सारे मतलब धूप जो घास थे मतलब जौ का इतने अच्छे से कबाड़ रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो कलश में पानी होता है वो सारे रूम में पंडित जी ने छींटने को दे दिया भाई को, और ये पूजा रूम में पंडित जी ने छींट दिया था। उसके बाद इस कलश में चावल रख कर बोले थे कि रख दिया जाता है, तो चावल भर के रख दिया जाता है इस कलश में, तो भाई ने सारा रूम में ये पानी छींट दिया। उसके बाद मम्मी गर्मा गर्म पंडित के यहाँ पे पुआ और पूरी तल रही थी, तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खाना निकाल रहे थे क्योंकि सारे लोगों को भूख लगा था। और मैं सच बताऊँ तो पंडित जी तो लेट से आए थे, और मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले लोग इतने भूखे थे कि क्या ही बताऊँ, सारे लोग को भूख लग गया था, लेट भी हो चुका था। तो यहाँ पे पंडित जी का सारा खाना निकल चुका है, और ये निशा लेकर जा रही है पंडित जी का खाना, और पंडित जी यार घर से खा कर आ चुके थे थोड़ा बहुत, तो वो एकदम इतना एक खाना देखकर एकदम थोड़ा थोड़ा खाया, बोले कि इतना मुझसे तो खाया भी नहीं जाएगा, तो सारा कुछ निकाल देते हैं। यहाँ पे पंडित जी के लिए हम लोगों ने जलेबी भी मंगाया था, और मुझे लग रहा था कि पंडित जी शर्मा रहे हैं, बट वो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं शर्मा रहा हूँ, तो हम वो बिल्कुल ही नहीं खाया, एकदम थोड़ा थोड़ा सा खाया। और मैं सच बताऊँ तो पंडित जी का खाना देख के मुझे इतना ज़ोर से भूख लग गया था कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये लग रहा था कि जल्दी से बाबा खा कर जाए उसके बाद मैं बैठ के खाना खाऊं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का खाना भी लग चुका, और अब आप लोग देखना यहाँ पे कि मेरे से ज़्यादा मेरे घर वाले इतना भूखे थे, इतना एक्साइटेड मतलब खाने के लिए सारा कुछ टूट पड़े थे। तो यहाँ से आप लोग देखो इससे भी ज्यादा भूखा लग रहा है लोग, ये सबसे बड़ा भूखा है, आप 15 दिन से भूखा है, आप सलाह मम्मी और भाई बजरा तो भूखा है, खाने में मिठाई पे सब ये एमडी। प्याज मिल गया।
पानी तो रनु कैसा बना है? पानी तो रे। अरे ये बताओ खाना कैसा बना है? हमको क्या पता, देखो चार साल रातन को हो गया के हुए, आज के दिन मुझसे खाने में भूख भी नहीं लगा था, बट आज हमको भूख लगा था और नमक खा के अच्छा भी लग रहा है। ठंडा पानी मत दो, गला पूरा बैठा हुआ। मम्मी बताओ खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा भाई, नमक खा के बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। चलो बताओ खाना कैसा लगा? चल बता कहा था तक गोर जो और ये खाने के बाद ये पक्का मेला में भेजेंगे सबको चौमिन लाने के लिए। साल इसका होता है, वही बोलने वाले थे हम, फास्टिंग मेरा होता है, पर ये भेजेंगे चौमिन ला, चाट ला, दिन भर ये सब दौड़ आएंगे, अभी लाइन लगवाएगी। अभी हम बोलने वाले थे चलो अब चाट मंगाया जाए, खा तो अब हम लोग थोड़ा सा खा पी कर बात करते हैं, ठीक है? रात में आज हम लोग छोला चाट वैसे भी जाएंगे खाने, छोला इतना खाएगी ये, इसलिए अभी कम खाओ, हमको डर लगा डिहाइड्रेशन ना जाए। खाना है पंडित जी बोल गए हैं, पंडित जी बोल गए हैं जो पारण करेगा आराम से खाएगा थोड़ा नहीं, नहीं, खाएगा। नींद आ रहा है बहुत जोर से, सोना नहीं आपको? वही तो खाना खाने के बाद अचानक नींद आ रहा है, बट सोना नहीं है, मम्मी बोल रही है बाप रे भैया। तो गाइस अभी हो चुका है रात और सब लोग रेडी हो रहा है जाने के लिए घूमने के लिए पंडाल, बट मम्मी और बउआ लोग चला गया बाइक से, मम्मी और बउआ बाइक से लेकर गया मम्मी को, मम्मी पैदल नहीं चल पाएगी ना थोड़ा दूर है, और मैं तो कब का रेडी होकर बैठी हुई हूँ, निशा पम्मी भी रेडी हो रही है, सागर भी चला गया मम्मी के साथ, रौनक है, तो देखते हैं अभी रात का 9 बज चुका है और देख रहे हैं कि जाएगा लोग या नहीं जाएगा, मुझे तो अभी लग रहा है कि नहीं जाएगा लोग, नहीं जाएगा ही लोग, हाँ ना मैं दोनों लोग का हो रहा है, तो देख रहे हैं क्या होता है, नहीं तो फिर मुझे तो बस इसलिए जाना है, मुझे तो कुछ वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, बस खाने जाना है, बस मैं चाउमीन खाऊंगी, छोला खाऊंगी और खाकर फटाक से भागूंगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से जाते हैं और खाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर जा पाए तो, अभी रेडी हो चुके हैं तो अब सोचा आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूं, अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो फिर आएंगे घर, यहीं पे कपड़ा वपड़ा खोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी बउआ चला गया और यार बाल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाल को क्या करूं, बस ऐसे ही रबर लगा कर रखी हूं, देखती हूं क्या करती हूं, उसके बाद मैं शर्ट पहन ली हूं, ढीला शर्ट, ओवर साइज शर्ट और जीन्स, आज ये बहुत दिन बाद मैंने ये वाला जीन्स पहना है, बहुत दिन बाद, देखो आप लोगों को दिखाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाय फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब, तो ये खुशी की तो ऐसा ये बोल रहे ना ब्लॉग स्टार्ट करिए, बोलिए हाय फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हाय फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। बस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं घर से और मम्मी पीछे से आ रही है बाइक से और अंधेरा है पूरा गली, हम लोग जा रहे हैं मेला घूमे, मेला घूमे, मैं मेला घूमने नहीं जा रही, इधर देखिए सब लोग हैं, सब लोग निकल चुके हैं हम लोग घर से, हम वही जा रहे हैं जहाँ कल हम बोर हो रहे थे, जिधर जाना था उधर तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि उधर बहुत थोड़ा सा डेंजर रास्ता है, डेंजर क्या है थोड़ा गाड़ी वाड़ी आते जाता रहता है, और यह है देख लीजिए इसमें क्या होगा फाइनल, बुला चुके हैं गाइस, गाइस हम लोग मेले में बुला चुके हैं, गाइस हम चौमिन में बुलाना चाहते हैं, गाइस हम मेला में भुतला चुके हैं, गाइस गाइस बचपन में तो हम लोग भुला जाते थे, यही मेला हमें बहुत छोटा लग रहा है, यही मेला की वीडियो बनाते हैं, आ गए हैं हम मेला में। अच्छा बना है, टेस्टी है, गांव का है। चलिए अब हम भी खाते हैं मेला का चाट, तू बैठ के खाने खा, बैठ के खो जा, क्या खा रहा था, इसी का इंतजार था, देखते हैं कैसे लग रहा है,
सर नमक दीजिए, नमक नहीं है सर, नमक दीजिएगा ना, प्याज नहीं डाले हैं। ठीक ठाक है, अच्छा सर नमक दीजिएगा ना, खा लिए थोड़ा चाउमीन खा लिए, खाना चाउमीन लाइए भाई, वो लड़की दो बार खाई है और रौनक अपने सासू माँ के साथ खा रहा है, रौनक अपने सासू माँ के साथ छोला बैठ के खा रहा, दिखा रही हूँ मैं उधर, वहाँ बैठा हुआ है उसके सासू माँ बैठी हुई है, बेटी का पता नहीं है, देखिए रौनक कहीं बैठा दे बैठ जाए, कहीं बैठा दो उसको बैठ जाएगा, देखिए वहाँ पर जाके सासू माँ इधर ही घूमती है। अब चाउमीन भी आ गया, चाउमीन पे टूट पड़ते हैं, चम्मच तो बहुत बड़ा दिए हैं, देखिए बड़ा पाव लिया, बड़ा पाव मैं उम्मीद तो चली, मम्मी लोग चली गई है घर पर, और मेरी दोस्त मिल चुकी है, तो आज हम बोर नहीं हो रहे, आज अच्छा लग रहा है, स्वीटी मिल चुकी है, बट अब आज वैसे भी बोर नहीं होते, क्योंकि आज हमें सोच का चाट चौमिन खा लगा, बट स्वीटी आ गई तो और चार चांद लग गया, मस्त एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स नहीं है सही में, और ये देखो कितना दोस्त हम देख रही है, हम बोल रहे ना कितना दोस्त ऐसे, मेला का इतना चीज खाए हैं बाप रे, आज मेला का एक भी चीज नहीं छूटेगा बाप रे, इतना खाली खाए, खाली खाए, खाली खाए, कोल्ड ड्रिंक तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, उस दिन मैंने सारा कुछ मिलने का ट्राई किया, मतलब फुचका चाट चाउमीन हर कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा ही, बट सारा कुछ ट्राई किया, ऐसा लग रहा था मैं 9 दिन का पूरा कोटा आज पूरा ही कर दूंगी, उसके बाद ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, जिस दिन मूर्ति भसान होता है, तो बस उस दिन भी मैंने कुछ सूट नहीं किया था, मुझे तो जाने का भी मन नहीं करता है देखने का ये सब भसान वसान, बट सारे लोग ने जीत किया तो मैं गई, बट ऐसे ही देखा, उसके बाद थोड़ा बहुत हाथी घोड़ा उठ का थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया, घर आ चुके थे हम लोग, तो गाइस अब नवरात्रि का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है, तो मैंने बोला था कि मैं पूरे 9 दिन का मतलब हर डे का डालूंगी, बट बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था जिसके कारण 3-4 डे का ब्लॉग मिस हो चुका है, तो खैर छोड़ो कोई नहीं, जितना भी ब्लॉग मैंने डाला है आप लोग सारे वीडियो को देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को गाइस, और बस देखो, और मैं बता दूँ कि ये ब्लॉग 3-4 दिन का ब्लॉग है मिक्स करके, तो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो चलेगा ना, तो प्लीज़ आप लोग देखो एंड लाइक करो, तो मिलते हो जल्दी न्यू वीडियो में, आई होप आप लोगों को सारा ब्लॉग अच्छा लगा, तो बाय बाय, टाटा एंड लव यू गाइज़।